वक्त मौजूद है हम अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन में। राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय का आज पहला दीक्षांत समारोह आयोजित हो रहा है, जिसमें उपराष्ट्रपति व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शिरकत करने के लिए आज अलीगढ़ पहुंची हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की छात्र सभा के तमाम पदाधिकारियों के द्वारा प्रदर्शन करते हुए उन्हें एक मांग पत्र देने की कोशिश की गई, जिनको अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन पुलिस के द्वारा यह थाने पर लाया गया है और इनके द्वारा एक ज्ञापन जो है एएसपी अलीगढ़ के माध्यम से उनको देने की बात कही है। बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिर क्या वो मांगे हैं जो मांग पत्र में सौंपी गई हैं, क्या वो मांगे हैं जिनको लेकर आज आप राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय जाना चाह रहे थे लेकिन जा नहीं पाए, क्या है उस मांग पत्र में? देखिए, मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन निवाती है, मैं महानगर अध्यक्ष समाजिक छात्र सभा और राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट भी हूँ। हमारी मांगे काफी लंबे समय से हैं। जब विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ था, घोषणा हुई थी, जब घोषणा होने के बाद यहाँ जोधपुर सिविल लाइन थाने के पास ऑफिस कैंप कार्यालय बना यूनिवर्सिटी का, तो हम वीसी साहब से जाके मिले तो उन्होंने आश्वासन दिया कि कैंपस नहीं है अभी, जब कैंपस हो जाएगा तो हम छात्र संघ चुनाव कराएंगे। अब हमारी यही मांग थी कि छात्र संघ चुनाव कराए जाए और दूसरी मांग ये थी कि अतरौली विधानसभा में एक गवर्नमेंट पीजी कॉलेज की घोषणा की जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं आदरणीय राज्यपाल महोदय जी, तो इसलिए। और तीसरा यह है कि ओएमआर शीट पर पेपर कराए जाए, जो लास्ट ईयर के सेमेस्टर के पेपर हैं वो ओएमआर शीट पर कराया जाए, ना कि लिखित कराया जाए। तो इसी मांगों को लेकर हम समाजवादी पार्टी छात्र सभा और एनएसयूआई जो कांग्रेस की छात्र संगठन है, हम लोग संयुक्त रूप से वहां के लिए रवाना हो रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस कल से ही हरकत में थी, वो हम पे लगातार दबाव बना रही थी और लगातार कई थानों के दबाव के बाद हमको आज सुबह जाने से वहां रोक दिया गया। तो ये बताइए, जिस तरह से आप मांग कर रहे हैं लगातार पीजी कॉलेज की मांग कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है क्यों मांग आपकी वहां तक नहीं पहुंच पाई, क्या वजह रही, कहां से, क्या पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया? हाँ, पुलिस के द्वारा सुबह इंस्पेक्टर सिविल लाइन जो इंचार्ज हैं सिविल लाइन थाने के, उन्होंने और कई थानों की और फोर्स थी, सीओ थर्ड थे और जो यहाँ पर स्पेशल ड्यूटी पे सीओ साहब लगा रखे थे, तो उन्होंने सुबह हमें हिरासत में ले लिया और लेने के बाद वो हमसे जबरदस्ती नोकझोंक हुई पुलिस से काफी, लेकिन उन्होंने हमें जाने नहीं दिया। इसके विरोध में हमने फिर यहाँ पर ज्ञापन दिया, यहाँ कार्यक्रम। क्या कहेंगे, एनएसयूआई भी लगातार जो है प्रदर्शन करना चाह रही थी लेकिन नहीं कर पाई, वजह क्या रही? वजह यही रही, सबसे पहले तो रात से ही घर पे दबिश देना, सुबह जब हम एक जगह एकत्रित हुए वहां से तुरंत सिविल लाइन एसओ रितेश जी आए, साथ में वहां नोकझोंक होने के बाद थाने तक लेके आए। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको भी पता है और ये जग जाहिर हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी छात्र विरोधी सरकार है, बिल्कुल, क्योंकि आप कहीं भी देख लीजिए छात्र किसी भी बात को लेकर मांग करते हैं ये लाठीचार्ज करा देते हैं, छात्रों को जेल में ठुसवा देते हैं। पिछले 2017 से लेके अब तक लगातार हम ही नहीं, सारे छात्र संगठनों ने संयुक्त तौर पर भी ये मांग की थी कि छात्र संघ चुनाव कराए जाए, लेकिन नहीं कराए जाते। क्यों? क्योंकि अगर छात्र संघ चुनाव होगा तो एक प्रतिनिधित्व निकल के आएगा जो कहीं ना कहीं इनके लिए नुकसानदायक होगा। ये उन छात्रों से ये इस तरीके से भयभीत रहते हैं कि छात्र संघ चुनाव ही नहीं होने देते। दूसरी बात, ओएमआर सीट पर अगर आपको लिखित परीक्षाएं करानी थी तो पहले से ये काम करते, आप अगर लास्ट मोमेंट पे आके एक से डेढ़ महीने दो महीने छात्र उसके रह गए हैं परीक्षाओं के एक साथ, ये तो एकदम तुगलक की फरमान जारी कर देती है यूनिवर्सिटी के कुलपति साहब कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा। आपकी मुलाकात नहीं हो पाई, तो क्या लग रहा है मुलाकात न होने की वजह के पीछे का कारण? वजह के ये रहा है कि प्रशासन ने हमें रात से ही घेर लिया था सभी लोगों को और घर पे ही नाकाबंदी कर दी, जाने नहीं दिया। ये पर जब जब ये ऐसा होता है तो पुलिस पहले ही से घेर लेती है, ये बहुत बड़ी नाकामी। देखना, ये छात्र संघ चुनाव छात्रों की नर्सरी होता है, कहीं बड़े बड़े नेता ये छात्र संघ से ही निकले हैं और ये छात्र संघ चुनाव नहीं होता है तो यूनिवर्सिटी मनमानी करते हैं, प्रशासन भी यूनिवर्सिटी राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय का मनमानी कर रहा है, फरमान हाल जारी कर देता है कि ओएमआर पे वो लिखित परीक्षा कराएंगे। ओएमआर हो रही है तो ओएमआर परीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि ओएमआर पहले से होती चली आई है, या एक महीने के अंदर बच्चा कैसे तैयारी कर लेगा आप ओएमआर को कराएंगे। प्रमुख कुमार हमारी अतरौली से है, राजकीय पीजी कॉलेज होनी चाहिए अतरौली में, आजादी का 78 साल हो चुके हैं, ये दुर्भाग्य है उस क्षेत्र का कि अभी तक कोई पीजी कॉलेज नहीं है। तमाम उस क्षेत्र ने विधायक मंत्री और मुख्यमंत्री भी दिए अतरौली क्षेत्र की अगर बात की जाए, आप बता रहे पीजी कॉलेज को नहीं, तमाम ऐसे पीजी कॉलेज हैं
तो वो क्या है, वो पीजी कॉलेज नहीं है? नहीं, वो क्लासें ही नहीं चलती हैं, उसमें एब्सेंट रहती हैं क्लासें, ये तो प्राइवेट है, हमें गवर्नमेंट चाहिए जो क्लासें चले और वहाँ क्षेत्र शिक्षा का स्तर बढ़ सके वहाँ पे। जी क्या कहेंगे अगर जैसे आज मुलाकात नहीं हुई तो अगला स्टेप क्या रहेगा? अगर हम बड़ा आंदोलन करेंगे आज, मतलब पुलिस के द्वारा घर पे ही हिरासत में ले लिया गया है और मैं अतरौली विधानसभा से आया हूँ, तो हमारी एक प्रमुख मांग है कि उसमें राजकीय पीजी कॉलेज बनवाई जाए और राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बनवाई जाए जिससे छात्रों को पढ़ाई करने में ज्यादा दिक्कत ना हो। राजकीय पीजी कॉलेज की मांग कर रहे हैं, मांग पूरी नहीं हुई तो स्टेप क्या रहेगा? मांग पूरी नहीं हुई, भाजपा सरकार हमेशा से छात्र संघ को मांग पूरी करती नहीं है, अभी तक कोई ऐसी कोई भी मांग पूरी नहीं करी, जबकि छात्र सम्मान की बात करती है भाजपा और छात्र सम्मान में ही स्टूडेंटों को ही घर से उठा लिया जाता है, कोई मांग को एग्री नहीं किया जाता और लाठी चार्ज होती है लगातार। कहां से लेकर आए थे आप लोगों को? जी कहां से, हिरासत में कहां से लिया? अच्छा, हम लोगों को ये थाना सिविल लाइन है, इसके पास ही वो है एएमयू सर्कल है, वहीं से हिरासत में ले लिया। तो हमारे महानगर अध्यक्ष श्री मोहसिन मेवाती जी को कल रात से ही पुलिस उनको घर पर अरेस्ट, होम अरेस्ट कर चुकी है और आज भी उनको उनके संग बदसलूकी की और आज जबरदस्ती उनको वहां ले गए, थाने में ले गए। तो क्या कहेंगे थाने में ही हो आप, अब क्या बोल रहे हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो एक दिखावटी है, एक लॉलीपॉप देने का काम करती है, चुनावी लॉलीपॉप का कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि चुनाव होना था, घोषणा भी हो गई है कि लॉलीपॉप है। एक तरफ तो छात्रों को सम्मान देने का काम कर रहे हैं, तो एक तरफ ये कहीं ना कहीं छात्रों के अधिकारों का हनन हो रहा है। हमारे साथ जो बदसलूकी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने की, जो हमारे साथ जबरदस्ती हमें जीप में बिठाने की कोशिश करी, हमारे साथ धक्का मुक्की करी, तो ये कहीं ना कहीं छात्रों की हनन कर रहे हैं, अधिकारों का हनन कर रहे हैं। एक तरफ आप सम्मान की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप उन्हें उपराष्ट्रपति और राज्यपाल जी जो आई हुई है, क्या लग रहा है वो चुनावी स्टंट बता रहे हैं? नहीं, चुनावी स्टंट है, आपको ये पता था क्योंकि 6 महीने पहले चुनाव हो चुका, आपको पता था कि वो जो है उपचुनाव होएगा क्योंकि जो वहां के विधायक थे वो सांसद बन गए हाथरस के, आपको पता था कि चुनाव होएगा लास्ट में जाके, तो इन्हें यही डेट क्यों डिसाइड करनी थी? क्योंकि 12 सितंबर पहले डेट अनाउंस हो चुकी थी। जी बिल्कुल, तमाम ये छात्र सभा के पदाधिकारी हैं जिनके द्वारा लगातार दीक्षांत समारोह पर भी सवाल उठाना शुरू कर दिया है। अब देखना होगा समाजवादी पार्टी छात्र सभा के द्वारा जो इसे चुनावी स्टैंड बताया है दीक्षांत समारोह को, क्या ये चुनावी स्टैंड भारतीय जनता पार्टी के लिए मुनासिब रहेगा या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल समाजवादी पार्टी की छात्र सभा के द्वारा अलीगढ़ पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।